नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RSM SSP लैब असिस्टेंट के रिजल्ट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो किसी प्रकार के जॉब अपडेट, वैकेंसी अपडेट या रिजल्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल नेटिजन ट्यूटर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आने वाली कोई भी न्यू अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लैब असिस्टेंट का रिज़ल्ट 1-2 दिन में डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। आपका जो रिज़ल्ट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो दोस्तों, रिज़ल्ट को लेकर एक न्यू अपडेट है। यहाँ पर उपिन यादव ने ट्वीट कर यह बताया है, आपको देखिए, 5 अगस्त तक कंप्यूटर निदेशक भर्ती का प्रोग्राम जारी नहीं हुआ, तो 8 अगस्त को हम अधीनस्थ बोर्ड जाएंगे। इसलिए सभी युवाओं से निवेदन है कि 8 अगस्त को कंप्यूटर अनुदेशक प्रयोगशाला सहायक भर्ती का प्रोग्राम जारी करवाने तथा PTI भर्ती की फर्जी डिग्रियों की सख्त जांच करवाने के लिए 11 बजे दोस्तों वो लोग आयोग में प्रदर्शन हेतु जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स इन भर्तियों से जुड़े हुए हैं, वो सभी अपने रिजल्ट के लिए दोस्तों उपिन यादव का साथ ज़रूर दें। तो दोस्तों, आपका रिज़ल्ट तभी आएगा। ले और अगर आप सोच रहे हो, वैसे अगर ये उपिन यादव आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको भी कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये अपडेट आपको पहुंचानी थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।